हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल आई विल डिस्कस एरे इन सी लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज एन एरे। एरे इज ए होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। होमोजेनियस एलिमेंट्स मतलब सिमिलर टाइप। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ इंटीजर और एरे ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स। इस लेक्चर में आई विल डिस्कस एरे इन डिटेल। हम इसका प्रोग्राम भी करेंगे, व्हाई वी यूज़ एरे, एरे होता क्या है, ये सारे का सारा डिटेल में डिस्कस होगा। सो एरे क्या है? एरे के बारे में दो बातें याद रखनी है। पहली बात, एरे इज़ ए होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जहाँ इंटीजर का एरे जहाँ करेक्टर का एरे। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एरे इज़ ए होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड जो मेन चीज़ है, एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, डेट इज़ वन आफ्टर द अनदर। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एरे के एलिमेंट्स स्टोर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 6 है, 12 है, 44, 26, 77, 19। कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर टाइप का एरे, इंटीजर का साइज, इंटीजर डाटा टाइप का साइज अगर 4 बाइट है, ठीक है, अगर 4 बाइट है इंटीजर डाटा टाइप का साइज, तो ये वाला सपोज करो पहला एलिमेंट अगर 2000 एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो नेक्स्ट वाला जो है वो 2004 पे स्टोर्ड होगा। कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन मीन वन आफ्टर द अनदर, उसके नेक्स्ट वाला 2008 पे स्टोर्ड होगा, एंड सो ऑन। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, पहली क्या होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरी क्या इसके एलिमेंट्स कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड हैं, और थर्ड क्या याद रखना है, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, नेक्स्ट वाला 1 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये आपने याद रखना है। थर्ड चीज, नेक्स्ट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है एरे का? सिंपल, लोअर बाउंड मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या है? 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और अपर बाउंड क्या है? लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, तो अभी मतलब जैसे सपोज करो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, तो अपर बाउंड क्या होगा? 6 एलिमेंट है तो अपर बाउंड 5 है। सिमिलरली अगर एन एलिमेंट हो तो अपर बाउंड क्या होगा? एन माइनस 1। तो ये तो आपने अभी याद रखना है, बाकी हम प्रैक्टिकली करें करके देखेंगे सारे का सारा कैसे करना है, एरे को डिक्लेयर क्या करना है। ठीक है, तो अभी क्या याद रखना है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, ठीक है, और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। तो सब हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से एरे का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि एरे है क्या। ठीक है, और अभी जस्ट वेट। हाँ, तो सबसे पहले तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई वी नीड एरे। अब इसकी बात करते हैं, एरे की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये हम करते हैं अभी, जस्ट वेट। व्हाई वी नीड एरे, ये हम करते हैं अभी। एरे की जरूरत क्यों पड़ी? अभी आपने प्रोग्राम किया होगा कि दो नंबर ऐड करने हैं, तो आपने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट ए इंट बी। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपने 10 एलिमेंट्स, 10 नंबर ऐड करने हो,
तो फिर 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और सपोज करो, सपोज आई वांट टू ऐड 100 नंबर्स, फिर क्या करोगे? क्या 100 वेरिएबल डिक्लेयर करवाओगे? है ना? और इतने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना तो इजी नहीं है, ठीक है? और इतने वेरिएबल डिक्लेयर करवाओगे और प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और प्रोग्राम के नाम क्या रखोगे, वेरिएबल्स के नाम क्या रखोगे? ए बी सी डी जेड तक रख लिए, फिर A1 A2 रख लिया, और 100 नंबर ऐड करने हमने। तो मतलब हमें सारे के सारे नंबर, चाहे वो 100 हैं चाहे वो 1000 हैं, हमें उन्हें एक नाम के साथ ही डिनोट करना पड़े तो बढ़िया रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एरे को यूज़ करते हैं, ठीक है? बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। प्रैक्टिकली क्या है, जैसे सपोज करो मैंने 100 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, इतने वेरिएबल थोड़ा डिक्लेयर करूँगा, ठीक है? तो मैं एरे उस केस में यूज़ करूँगा। तो अभी हम सिंपली एरे को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जस्ट वेट, एक नई फाइल बना लेते हैं। तो हेडर फाइल लगाई, तो सबसे पहले मुझे एक जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि सपोज करो मैंने 5 नंबर लेने हैं, ठीक है? तो मैं क्या लिखता हूँ, वैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर 5 नंबर्स, है ना? ऐसे करते हैं। और फिर आप लिखते हो स्कैन एफ, है ना? जस्ट मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखना पड़ेगा। आपने ए डिक्लेयर किया, फिर आपने बी डिक्लेयर किया, फिर आपने सी डिक्लेयर किया। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि ये मैं लिख क्यों रहा हूँ बार बार। और फिर मैंने डी डिक्लेयर किया, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। लेकिन अगर 100 नंबर होते तो मुझे ये लाइन कितनी बार लिखनी पड़ती, है ना? अब थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दो। अभी हम बात करते हैं एरे की। तो एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अभी ध्यान से समझना। तो मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्या आया, पहले आया डाटा टाइप। डाटा टाइप मैंने क्या लिखी, इंटीजर, है ना? फिर आया नेम ऑफ एरे। आप नेम ऑफ एरे मैंने ए रख दिया, ठीक है? बाद ब्रैकेट में क्या आ गया, उसका साइज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डाटा टाइप इंटीजर है, नेम क्या है ए, और साइज क्या है 10। मतलब ए इज एन एरे ऑफ 10 इंटीजर। ए हमारा एरे है जिसमें 10 इंटीजर्स हैं, ठीक है? एक चीज और मैंने अभी थ्योरी में बताई थी कि एरे का इंडेक्स क्या है, एरे का इंडेक्स क्या है। अभी चलो इसको पहले मैं 5 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ कोरिलेट करना आपको। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना? मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए 0 होगा, है ना? और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ए 1 होगा। सिमिलरली थर्ड फोर्थ होगा, ठीक है? फिफ्थ, ऐसे 5 एलिमेंट्स होंगे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, ए। एरे का नाम क्या है, ए, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी, एंटर 5 नंबर्स ऑफ एरे। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स किया है, कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंटर 5 नंबर ऑफ एरे मतलब पहला एलिमेंट, अगर एरे का एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है तो मुझे ए 0 लिखना पड़ेगा, फाइन। दूसरा ए 1 पे होता है तो ए 1 लिखना पड़ेगा, 2 पे होता है तो ए 2 लिखना पड़ेगा, है ना?
तभी तो वो पांच एलिमेंट एंटर होंगे, क्योंकि एरे का नाम क्या है, ए, और इंडेक्स उसका कहाँ से शुरू हो रहा है, इंडेक्स उसका जीरो से शुरू हो रहा है, तो जीरो इंडेक्स से लेके ये पांच एलिमेंट हो गए। अब इस कोड को ध्यान से देखें तो क्या है, इस सारे का सारा ही सेम है ना, सेम ही आ रहा है, फर्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे फोर है ना। तो अगर ये सारा कुछ ही रिपीट हो रहा है तो क्यों ना मैं इसको लूप के अंदर लिख लूं, ठीक है ना, और लूप के अंदर लिखूंगा तो लूपिंग स्टेटमेंट्स तो आपको आती है, मैंने एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी। तो यहां पे जीरो की जगह पे मैं अगर कर दूं आई, तो देखो बात बन गई कि नहीं बन गई, जब आई जीरो होगा तो ए जीरो की वैल्यू एंटर हो जाएगी, आई वन है तो ए वन की हो जाएगी, आई टू ए टू, सो मतलब ये सारे का सारा कोड जो है मुझे अब नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ एक लाइन लिख दी, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। एरे डिक्लेयर कैसे करना है वो भी आपको क्लियर हो गया, पहले डाटा टाइप, फिर नेम और फिर ब्रैकेट में साइज। अब सपोज करो 5 नंबर की जगह पे मुझे 15 नंबर चाहिए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 15 कर देना है, अगर मुझे 50 नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे 50 कर देना है। तो क्यों ना हम यूजर से ही पूछ लें कि आपको उसको कितने नंबर चाहिए, है ना। सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच यू वॉन्ट टू एंटर, मैंने यूजर से पूछ लिया कि तुम्हें कितने नंबर चाहिए, तो यूजर ने बोल दिया कि मुझे चाहिए एन नंबर, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सिंपल, है ना, तो यहां पे एन भी डिक्लेयर कर लिया, आई भी डिक्लेयर कर दिया, अब लूप चलेगा एन तक, तो कोड हो गया सिंपलीफाई। यहां पे मैंने एरे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, यहां पे मैं उसमें वैल्यूज डाल रहा हूं। अब जो भी यूजर ने वैल्यू डाली, क्यों ना हम उसको प्रिंट करवा के देख लें, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स आर, तो देखो इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ यूज होगा, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ यूज होगा, बाकी कोड तो सिंपल ही है, ठीक है, और एरे बच्चे आपको आने चाहिए, एरे का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर में भी कोई प्रोग्राम करना है, एलिमेंट्स, एरे क्या है, एरे क्या है, इनपुट लेने के लिए, अगर आपके पास डाटा होगा, अगर आपके पास नंबर्स होंगे, तभी आप उसकी सर्चिंग सॉर्टिंग कर पाओगे, तो एरे इज मस्ट। तो यहाँ इतना कोड क्या है, इतना कोड है एरे में एलिमेंट्स एंटर करवाने के लिए, और इतना कोड क्या है एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए, तो फर्क क्या आया, फर्क तो सिंपल यही आया ना कि यहां पे मैंने प्रिंट एफ लगा दिया, वहां पे मैंने क्या लगाया था, स्कैन एफ लगाया था, ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पे मैं एक कोड लिख रहा हूं, एक जस्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंटर द एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स एंटर करें, ये कोड क्या है, कितने एलिमेंट्स चाहिए, यूजर ने बता दिया, यूजर ने बता दिया सपोज करो 7 चाहिए, तो एन मेरे पास 7 आ गया, और ये मैंने कोड लगा दिया कि चलो एलिमेंट्स एंटर करें, ठीक है। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे आपने लिख दिया कि इतने नंबर एंटर करो, कितने, जितने भी एन की वैल्यू है, और ये लूप चलेगा, एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स वन बाय वन एंटर होंगे, और ये कोड चल रहा है एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए, है ना। तो क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं और गेट सी एच लगा देते हैं, अभी सिंपल रखना है प्रोग्राम हमने, ठीक है, सेव किया और इसको रन करते हैं, जस्ट वेट, इलीगल करेक्टर हैश, बच्चे
जस्ट वेट, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करेक्टर है इस कोड में शायद। ट्वेंटी फर्स्ट लाइन में, और दिस इज द 21st लाइन। ये बच्चे यहाँ पे आदर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। हाँ जी, इसको रन किया तो देखो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच यू वांट टू एंटर, तो मैंने कर दिया 7, तो बोला एंटर 7 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स एंटर कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स देखो परफेक्ट। दिस वे वी कैन राइट एरे प्रोग्राम, ठीक है। सो सिंपल ही है कि पहले हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया, यहाँ पे यूज़र से पूछ लिया कितने नंबर चाहिए उसको, यहाँ पे लूप की हेल्प से हमने एरे के एलिमेंट्स एंटर करवा दिए, ठीक है ना। इनपुट लेने के लिए स्कैनफ लगा, और ये स्कैनफ, ये लूप क्यों लगा ये मैंने सारा डिटेल में बताया, और बाद में मैंने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। वेरी सिंपल। तो अभी ये एरे का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसलिए अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट हम एरे का और प्रोग्राम करेंगे, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड दैट्स ऑल, सो थैंक यू।